सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने जो है फेस को इतना बनाया था, इस एपिसोड में जो बाकी पार्ट हुआ है जैसे क्राउन पार्ट, हेयर पार्ट और जो बॉडी का पार्ट है, उस पार्ट को यहाँ पर मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस, यहाँ पर जो हेयर पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हेयर पार्ट को ड्रॉ करने के लिए गाइस, यहाँ पर जो आर्टलिन का जो टेनी पेंसिल है और रेडी पेंसिल है, इसका यूज करने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पर जो आर्टलिन का टेनी पेंसिल है, इसका यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। आपके पास ये वाला पेंसिल है तो आप कोई भी 6B पेंसिल भी यूज करके जो है, थोड़ी सी डार्क कम डार्क वाला 6B पेंसिल, उसका यूज करके भी लेयर बाय लेयर जो है यहाँ पर डार्क कर सकते हो। मैं पिछली बार जो ड्राइंग बनाया था 100 RM का, तो वहाँ पर गैस मैं जो चारकोल पेंसिल कैमलिन का था उसका यहाँ पर यूज किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो पेपर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जो कि ब्रूस्टर ब्रांड का मीडियम सोलर वाला पेपर है, और गैस रेफरेंस पेपर वाला लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, और जो मेरे इंस्टाग्राम वाला लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, इसको ड्रॉ करके मेरे को भेज सकते हो। मैं देखूंगा आपकी जो भी मिस्टेक वगैरह हुआ है, मैं आप लोगों की सुधारने की कोशिश करूंगा। और गैस यहाँ पर हेयर जो उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, जो हेयर की डायरेक्शन में पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अपने तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लेयर बाय लेयर यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर दे दिया उसी पेन से, उसके बाद ब्लेंड करके फिर दोबारा यहाँ पर दिया। उसके बाद कैसे यहाँ पर जो ईयर पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी एक बेस लेयर दे दिया कैमलिन का जो मैकेनिक पेंसिल, उसका यूज करके बेस लेयर देने के बाद ब्लेंड वगैरह करके फिर से जो डोम्स का 4B पेंसिल और 4B पेंसिल यूज करके सेकंड लेयर दे, उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके जो है AD पेंसिल यहाँ या जो टेनी पेंसिल उसका यूज करके यहाँ पर वो थर्ड लेयर दे दिया। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके जो हाईलाइट वगैरह था उसको यहाँ पर हाईलाइट वगैरह कर दिया। तो इसको जो ईयर पार्ट बनाने के बाद गए, यहाँ पर जो क्राउन पार्ट है उस पार्ट में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर गए जो क्राउन पार्ट आप देख रहे हो, तो रेफरेंस इस तरीके में नहीं है। तो यहाँ पर गए मैं अपने तरीके से जो भी देख सकते हो, जो पी पैटर्न वगैरह है जो क्राउन का, तो उसको मैं यहाँ पर बनाया हूँ। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन आप अपने तरीके से भी बना सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक लेयर बाय लेयर यहाँ पर भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरे जो पट्टी वगैरह जो फोरहेड में जो पट्टी है जो क्राउन का, तो उस पार्ट में पहले एक बेस लेयर दे दी कैमलिन का पेंसिल यूज करके, उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके फिर से जो 4B पेंसिल उसका यूज करके यहाँ पर मैं जो डॉम्स का उसका यूज करके ब्लेंड वगैरह कर दिया। उसके बाद जो आर्टेल का AD पेंसिल उसका यूज़ किया। उसके बाद गैस यहाँ पर जो है ब्लेंड वगैरह करने के बाद जो टोम्बो का मोनो 0 इरेजर है उसका यूज करके गैस यहाँ पर जो भी पैटर्न वगैरह था उसको यहाँ पर बनाया हूँ। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके तो थोड़ी बहुत जो भी जो शेडो पाउडर है तो जो पैटर्न देख सकते हो वो बनाया हूँ यहाँ पर। गैस जो बाकी पार्ट को जो जो क्राउन पार्ट है उसको ये बनाने वाला हूँ इसी तरीके से। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो क्राउन पार्ट के बनाता हूँ, तो देखिए।
तो गैस मुकुट पाट को बनाने के बाद अब यहाँ पर जो गले में जो नेकलेस है देख सकते हो, जो राउंड राउंड तरीके का जो मोती है, तो उसको यहाँ पर बना रहा हूँ, वाइट मोती है उसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले जो आउलन है उसको थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ, जो डोम्स का पूरी पेंसिल यूज करके। उसके बाद गैस आगे जो है यहाँ पर शेडिंग करने वाला हूँ, तो यहाँ पर व्हाइट पार्ट है, ज़्यादा शेडिंग नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो केमिल का मैकेनिक पेंसिल है उसका यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। आपके पास केमिल का मैकेनिक पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी लाइट पेंसिल यूज कर सकते, जैसे कि एजी पेंसिल, तो उसका यूज करके यहाँ पर जो है शेडिंग कर सकते हो। उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ ब्रश के थ्रू। उसके बाद गैस लास्ट में जो है हाइलाइट वगैरह देने वाला हूँ। तो उससे पहले गैस यहाँ पर जो बॉडी की पार्ट है उस एरिया पर पहले एक बेस लेयर दे रहा हूँ केमिकल का, मैकेनिकल का पेंसिल यूज करके। उसके बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों ब्रश यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आपके पास ब्रश नहीं है तो इस पार्ट में आप जो है कॉटन बोर्ड या जो कॉटन सॉरी कॉटन या जो टिश्यू पेपर रहता है उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद गाइस फर्स्ट लेयर को ब्लेंड करने के बाद बेस लेयर को, उसके बाद जहाँ पर शेडो है उसको ऑब्जर्व करके सेकंड लेयर दिया, जो कि डोम्स का फोरवी पेंसिल यूज करूँ, अगेन उसको ब्लेंड वगैरह कर दिया हूँ यहाँ पर। उसके बाद गाइस आगे जो है जहाँ पर भी जो ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर और एक लेयर दे के ब्लेंड वगैरह करके गाइस यहाँ पर लास्ट में जो है हाईलाइट वगैरह देना हूँ नीडेबुल इरेजर की मदद से। तो गाइस जो ड्रॉइंग है वो तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ड्रॉइंग किस तरह से लगा जरूर नीचे कमेंट करना, अपने सजेशन जरूर देना। गाइस अभी तो जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, पहले करने वो देना, और अगर अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। तो मिलेंगे वो जो न्यू वीडियो न्यू ट्यूटोरियल साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।